नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुख करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चंद्रयान 3 मिशन की सराहना करते हुए कहा कि ये देश और हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की बड़ी उपलब्धि है। वैज्ञानिकों की मेहनत है और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है, तो सभी वैज्ञानिकों को बधाई से अग्रिम शुभकामनाएं। अच्छा सर, एक चीज़ की आप जा रहे हैं सरगुजा और 5 संभागों में आपका कार्यक्रम युवाओं के साथ इंटरेक्शन का है। इससे पहले आपने विधानसभा वाइस किया, अब आगे क्या प्लान है? अभी संकल्प शिविर चल रहा है, शुरू हो गया। अभी तक के देखिए रायपुर जिला के 5 विधानसभा हो गए, बस्तर के 3 मैंने किया, 3 धमतरी, 3 बालोद, तो 3 3 6 आज 11 3 14 विधानसभा हो गया। और अभी 27 तारीख से फिर 26 से फिर से शुरू कर रहे हैं, वो लगातार 29 तारीख तक चलेगा। तो प्रत्येक दिन 3 विधानसभा संकल्प शिविर आयोजन हो रहा है और सब में जगह मैं शामिल हो रहा हूँ। पिछले समय भी आया था, इस समय भी आया, अच्छी बात है। अगर महत्वाकांक्षाएँ बढ़ गई तो उसको डैमेज को कंट्रोल कैसे करेंगे? नहीं, महत्वाकांक्षा बढ़ जाए क्या, जो योग्य है उसी को करेंगे। देखिए, जब अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है तो लोग फिर रिएक्ट करते हैं। सारा देश गर्व से भरा हुआ है, मन आनंद और प्रसन्नता से सरोवर है। मैं अपने वैज्ञानिकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि जिनके बुद्धिमत्ता और परिश्रम के कारण ये क्षण आए हैं, और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं के नेतृत्व में भारत ये असाधारण उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। आज का दिन भारत के गौरव का दिन है, गर्व का दिन है, आनंद और प्रसन्नता का दिन है, और ये लगातार सिद्ध होता जा रहा है कि भारत अब सबसे आगे है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती पर कांग्रेस ने कोल्हापुर में कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में जेएनयू के पूर्व छात्र और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार मौजूद थे। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने बीजेपी पर जोरदार जुबानी हमला बोला। कन्हैया कुमार ने बीजेपी में शामिल होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस नेता अजीत पवार की भी आलोचना की। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि ईडी अब अजीत पवार के घर का रास्ता भूल गई है। इसीलिए ये इतिहास जब बना नहीं सकते हैं तो इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो अपना मकान बना नहीं सकते, दूसरे की मकान पे अपना नाम लिख करके कहते हैं कि हमने इतिहास बनाया है। अरे साहब, आपने तो इंसान को इंसान नहीं बनाया है, आप इतिहास क्या बनाएंगे? झूठ के सहारे ये एक इमारत खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, झूठ का सहारा लेकर के ये इतिहास को पलटने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इतिहास खराब है, क्योंकि इनका इतिहास इस देश के साथ गद्दारी करने का इतिहास है। इनका इतिहास, इस देश के लोग जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनके साथ चाय पर बैठ करके चर्चा करने का इतिहास है। इनका इतिहास अंग्रेजों की जासूसी करने का इतिहास है। मैं जितने संतों का नाम ले रहा हूं, जितने वीरों का नाम ले रहा हूं, जितनी वीरांगनाओं का नाम ले रहा हूं, बताइए एक का भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से है क्या? लेकिन हमको गर्व है कि हम जितने भी लोगों का नाम ले रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनका संबंध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। इसीलिए आप तमाम लोग जो यहां मौजूद हैं, सबसे पहले आपको गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि आप उस पार्टी का हिस्सा हुए हैं जिस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई है। वहीं भारतीय सेना ने एक बयान जारी कर उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया कि भारतीय सेना ने फिर पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया है। मंगलवार को एक अखबार ने राष्ट्रीय संस्करण में पहले पृष्ठ पर भारत ने पाकिस्तान पर फिर सर्जिकल स्ट्राइक शीर्षक से आधे पन्ने की खबर प्रकाशित कर दी। खबर में कहा गया कि सेना ने राजौरी पुंछ में LOC से 2.5 किलोमीटर अंदर POK जाकर कार्रवाई की है, जिसमें आतंकियों के 4 लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं और 7 से 8 आतंकियों की मौत हुई है। इस मामले पर कांग्रेस की कद्दावर नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बयान जा रही है। राजस्व PTA के अधिकारियों के बीच इसे लेकर मंथन भी शुरू हो चुका है।
वहीं रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए दो हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के दाऊदपुर रामनगर गांव का है, जहां पर बीते 21 अगस्त को मेडीलाल का शव गांव के बाहर थोड़ी दूर जंगल पर मिला था। इस पूरे मामले में पुलिस ने उसकी प्रेमिका और उसकी बेटी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मृतक अपनी प्रेमिका की बेटी पर गलत निगाह रख रहा था, इसकी वजह से दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर शव फेंक दिया। देखो, थाना गुरुबख्शगंज क्षेत्र में दाऊदपुर गांव में एक मेरूलाल नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी, और जब उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया तो उसकी पसलियों में चोट और स्ट्रैंगुलेशन एंटीमार्टम स्ट्रैंगुलेशन पाया गया, जिससे ये तस्दीक हो गया कि उस व्यक्ति की हत्या की गई है। और हत्या की जगह पे उसकी चप्पलें भी प्लांट की गई थी, और ऐसा लग रहा था कि कहीं और हत्या करके उसकी बॉडी को वहाँ ले जा करके रखा गया है, उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुँच करके अपनी जाँच पड़ताल शुरू की और मुकदमा लिख करके उसमें हम लोगों ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की। वहीं लखीमपुर के पलिया में बेसिक शिक्षा विभाग के नए सत्र की किताबें कबाड़ में बिकने का मामला सामने आया है, लेकिन शिक्षा विभाग की दबंगई देखिए। इस खबर को उजागर करने वाले पत्रकार पर ही विभाग ने मुकदमा दर्ज करा दिया। कुछ वीडियोस मेरे पास भी आए हैं जो मीडिया कर्मियों द्वारा ही उपलब्ध कराए गए हैं, और वीडियो संज्ञान में आते ही मैंने खंड शिक्षा अधिकारी को तुरंत लिखित रूप से भी निर्देशित कर दिया है कि अविलंब घटना का निरीक्षण करें और वांछित आख्या जो भी हो वो दें और संबंधित के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई करें। वही महिला बैंक महिला सशक्तिकरण महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर प्रदान करेगा। बैंकिंग सेक्टर में महिला बैंक एक अनूठी पहल है जो महिलाओं का महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए होगा। विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह महिला बैंक विकसित महिला समाज के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। महिला बैंक के माध्यम से बैंकिंग सेक्टर में पूंजी निवेश से महिलाओं के लिए रोजगार के साथ साथ महिला उद्यमियों के लिए अवसर और संभावनाओं के नए द्वार खोले जाएंगे। महिला बैंक होने से महिलाओं को सुविधा और सुरक्षा दोनों का वातावरण मिलेगा। महिलाओं में परस्पर अपनापन, आत्मीय वार्तालाप, संवाद से काम करने से आसानी होगी, ऑफिस का चक्कर लगाने से भी वो बचेंगी। ओके, द फैमिली स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फैमिली इन यूएस इज ब्रोकन एंड दे आर ब्रेकिंग मोर विद द फैमिली। सो यूनाइटिंग फैमिली इज द फर्स्ट स्टेप, देन यू यूनाइट कंट्री, देन यू हैव a better place to live. So I still find India has a lot of respect for women, like they respect mother. The other day there was somebody who stopped and told the policeman, my mama called, can I answer this phone? Police officer, it'll never happen in the US. Never. So I love the respect. ये उद्देश्य एक ही है कि हमें अपने देश को विश्वगुरु कैसे बनाए, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो संगठन है भारतीय नमो संघ, वो 8 फुट पीस के साथ टाई अप करके ये प्रोग्राम करवा रहे हैं। आज डैमोनी आरनी जी हैं जो भारत में पैदा हुई पर रहने वाली है, ब्रेव हिल्स USA की हैं, और एक 8 फुट पीस बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है। ये भारत से प्रेम रखते हैं और भारत के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, भारत के उत्थान के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए। तो हम इनके साथ मिलकर इस प्रगति में उनका पूरा पूरा साथ देंगे। उदाहरण के लिए व्यूमन अभी एक बैंक, एक भारत में एक बैंक लॉन्च करने जा रही है, वह पहला महिला बैंक सिर्फ महिलाओं के लिए होगा, महिला उत्थान पे काम करेगी। उसके साथ साथ में यहाँ पर रोजगार के लिए काम करेगी, भारत दूसरे देश से इन्वेस्टमेंट आएगा, यहाँ पर तमाम तरह के रोजगार होंगे। तो हमारे जो कुछ हद तक कहीं ना कहीं हम भी गिलहरी की तरह राम सेतु बनाने में अपना योगदान देंगे। मोदी जी काम कर रहे हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वहीं खन्ना में मंगलवार देर रात महिंद्रा पिकअप गाड़ी और बाइक की टक्कर में नौजवान की मौत हो गई। हादसे में बाइक को टक्कर मारने के बाद गाड़ी भी पलट गई। गाड़ी में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। जानकारी के अनुसार साहिल अपनी बाइक पर घर जा रहा था, इसके पीछे एक दूसरा युवक इसी रोड पर जा रहा था, तभी गलत साइड से तेज रफ्तार महिंद्रा गाड़ी आई और साहिल को टक्कर मारकर तेज रफ्तार की वजह से पलट गई। वहीं इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई जबकि ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं।
ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵਾ 'ਤੇ ਸੀ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡੀ ਐਮ ਸੀ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਮਾਮਲੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੰਭਲੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਪਲਟ ਗਈ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਾਹਿਲ ਨਾਮ ਦਾ 24 ਈਅਰਸ ਮੇਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਬਸ ਸੂਚਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਰਮ ਵੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਰਿੰਟ ਲਗਾਇਆ ਉੱਥੇ ਥਾਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੂਰਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਜਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਲਾਈਕ वैसेपुर जिले के पवा बसई गांव में निवासी एक 3 वर्षीय बच्चे की आंख में आंसू की नली में कीड़ा घुस गया जिसके बाद 24 घंटे बाद परिजनों से नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरीश चतुर्वेदी के पास लेकर आए जहां डॉक्टर ने कीड़े को बाहर निकालकर बच्चे की आंख को सुरक्षित किया। वहीं कटनी के विजय रावगढ़ विधानसभा से विधायक संजय पाठक ने जनता के आदेश पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए वो 21 से 25 अगस्त तक वोटिंग करा रहे हैं। मध्य प्रदेश के विजय रावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय पाठक चुनाव लड़ने के लिए अनोखे तरीके से जनता से आदेश मांगते नजर आ रहे हैं। जनता से वोटिंग कराकर पूछ रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूं या नहीं। पाठक का कहना है कि 50% वोट मिले तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। कटनी के विजय रावगढ़ विधानसभा से विधायक संजय पाठक ने जनता के आदेश पर ही चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। इसके लिए वो 25 अगस्त तक वोटिंग करा रहे हैं। मतपेटियों में जनता से वोटिंग कराई जा रही है। कार्यकर्ता मतदान पेटी लेकर गांव-गांव बूथ स्तर तक जाएंगे। संजय पाठक ने दावा किया है कि यदि उनको 50% लोगों ने मत नहीं दिया तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक जय पाठक ने बताया कि पद महत्वपूर्ण नहीं है, पार्टी आला कमान जिसको चाहे टिकट दे मुझे स्वीकार है, जनता तय करेगी कि मेरे भाग्य का फैसला क्या होगा। कि मैं अपने जीवन की एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला हूं और इस दौरान आप सबका यहां पे आगमन होना ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि जो मैं चाहता था कि जो मतदान हो इसमें पूर्ण पारदर्शिता हो, पर आज इस पारदर्शिता को दिखाने के लिए, देखने के लिए, दुनिया के सामने लाने के लिए आप सभी सम्मान्य पत्रकार बंधु भी पहुंच गए। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं समझता हूं पूरे भारत में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई प्रधान सेवक यानी विधायक पहली बार ऐसा कर रहा होगा कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र जिसको वो मैं स्वयं अपना परिवार अपना घर मानता हूँ, यहाँ के निवासियों को अपना परिजन और परिवार मानता हूँ, और मैंने हमेशा से यही रखा कि मुझे विधायक जी नहीं संजू भैया बोला करो। बड़े लोग संजू बोलते हैं, छोटे लोग संजू भैया बोलते हैं। कभी किसी ने मुझे विधायक जी नहीं बोला, कभी किसी ने मुझे मंत्री जी नहीं बोला। जीवन में मैंने बाबू जी ने, इसके बाद मैंने इस क्षेत्र में हर प्रकार की सेवाएँ दी हैं। विकास की सौगात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ी विकास में, चाहे बड़े लेवल के विकास रहे हो चाहे गांव के छोटे स्तर का भी विकास रहा हो। इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा वृंदावन में बाके बिहारी मंदिर के लिए कॉरिडोर बनने और वहां यमुना किनारे स्थित सीढ़ियों के सौंदर्यीकरण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर 4 सितंबर को सुबह 9:30 पर सुनवाई हुई। मंगलवार को बाके बिहारी मंदिर के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने और घाटों के सुंदरीकरण को लेकर शाम 5 बजे तक सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्षों के वकीलों से कहा कि यहाँ ऐसा मामला है इसमें मिलकर आपस में निदान कराया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले को मध्यस्थता द्वारा हल किए जाने पर बल दिया है। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको प्रयागराज से, जहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 सितम्बर को मामले की सुनवाई की बात कही है। आपको बता दें कि
मंदिर के सीढ़ियों के सौंदर्यीकरण और घाट के सीढ़ियों के सौंदर्यीकरण को लेकर मामला वाके बिहारी मंदिर से जुड़ा हुआ है, जहां वाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां पर यमुना घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया कि मामला जो है वो समझौते से हल होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी मंडल लटेरी की विधायक प्रवास कार्यशाला का आयोजन स्थानीय चौरसिया पैलेस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों के द्वारा भारत माता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से जिन बिंदुओं पर बैठक का आयोजन किया गया था उनकी श्रेणी के अनुसार बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान विधानसभा विस्तारक कमलेश जायसवाल ने बूथ के समिति के अध्यक्षों को काम करने और अपने बूथ जीतकर चुनाव जीतने का मंत्र दिया। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।